हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी डॉक्टर आयशा मलिक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ डिस्कस द टॉपिक व्हिच इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड व्हिच इज द टॉपिक ऑफ द कंप्यूटर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो बात आती है वो होता है डाटा। व्हाट इज डाटा? अ कलेक्शन ऑफ द रॉ फैक्ट्स एंड द फिगर इज कॉल्ड डाटा। डाटा की हम सिंपल डेफिनेशन ये करते हैं कि हमने जो कलेक्ट किया है वो फिगर्स हो सकते हैं, वो फैक्ट्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ है, कोई भी आप रॉ मटीरियल जब इकट्ठा करते हैं उसको हम डाटा कहते हैं। द वर्ड रॉ मीन्स दैट द फैक्ट हैव नॉट येट बीन प्रोसेस टू गेट देयर एग्जैक्ट मीनिंग। मतलब कि हमने उसको किसी प्रोसेस से नहीं गुजारा होता, ना इसकी कोई एग्जैक्ट मीनिंग उसको दिए होते हैं, उसको हम रॉ मटेरियल कह सकते हैं या रॉ कलेक्शन कह सकते हैं। डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। डाटा को हम डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट कर सकते हैं। इट इज कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पसेज। डिफरेंट पर्पसेज के लिए हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। डाटा मे कंसिस्ट ऑफ नंबर्स। डाटा किसी भी चीज़ पर कंसिस्ट कर सकता है। नंबर्स हो सकते हैं, आपके करेक्टर्स हो सकते हैं, आपके सिम्बल्स हो सकते हैं, आपकी पिक्चर्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ है जो आप इकट्ठा करें उसको हम डाटा कहेंगे। अब उसकी एग्जाम्पल है, स्टूडेंट फिल एन एडमिशन फॉर्म। वैन दे गेट एडमिशन the college, their form consists of raw facts about the students. The raw facts are students name, father name, address. The purposes of the collecting this data to maintain the record of the student during their study period in the college. अब क्या है, उन्होंने सिंपल इसमें एग्जाम्पल बताई कि जो स्टूडेंट्स हैं जब वो एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज के अंदर, तो हम उनका एक रॉ सा डाटा जो इकट्ठा करते हैं। रॉ डाटा में अब क्या आ जाता है, उनके नेम्स आ जाते हैं, उनके फादर नेम आ जाते हैं, उनका एड्रेस आ जाता है। हमने उनको किसी भी प्रोसेस से गुजारा नहीं होता, वो सिंपल हमारे पास उन्होंने लिख के हमें दिया तो ये हमारे पास चीज़ें हैं, उनको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। इसकी टाइप्स आ जाती हैं डाटा की। डाटा की ऑलमोस्ट 3 टाइप्स हैं, न्यूमेरिक डाटा, अल्फाबेटिक डाटा एंड द अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अब व्हाट इज न्यूमेरिक डाटा? न्यूमेरिक डाटा कंसिस्ट ऑफ द न्यूमेरिक डिजिट। न्यूमेरिक से जो है ना वो डिनेट हो रहा है कि नंबर्स, जो नंबर्स पर डिपेंड करता है उसको हम न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वान्टिटीज ऑन विच अर्थमेटिक ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म सच एज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। हम इससे जो बहुत सारे ऑपरेशंस जो है वो ऑपरेशंस कह रही हूँ, बहुत सारे पर्पजेज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द सेल रिकॉर्ड ऑफ द शॉप। मतलब कोई भी मैथमेटिकली वर्क है उसको हम नंबरिक डाटा में ऐड करेंगे। अब इसके बाद द नंबरिक टाइप ऑफ द डाटा मे भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। द यूज़ ऑफ द पॉजिटिव विद द पॉजिटिव विद द पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर के पास हम पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे, जो नेगेटिव होगा उसको हम नेगेटिव के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ द नंबरिक। अब इसकी भी आगे टू टाइप्स हैं, एक है इसकी इंटीजर और दूसरी है इसकी रियल नंबर। सही हो गया। इसकी इंटीजर, व्हाट इज इंटीजर? इट कंसिस्ट ऑफ होल नंबर्स विदाउट डेसिमल। डेसिमल के बगैर, डेसिमल क्या होते हैं, जैसे मैं लिख दूँ 0.9, ये जो है डेसिमल, इसके बगैर जितने भी नंबर हैं उसको हम इंटीजर कह सकते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको कह दूँ +10, -20, -10, +15, ये सारी चीज़ें हम इंटीजर्स में आ जाएंगे। अब रियल नंबर में कंसिस्ट होते हैं हमारे पास डेसिमल। डेसिमल मैंने आपको बता दिया, वो भी पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं। और ये इसकी एग्जांपल दे 13.7, 32.5, -0.5, ये सारी चीज़ें रियल नंबर में आ जाएंगी। अब अल्फाबेटिक डाटा, व्हाट इज अल्फाबेटिक डाटा? अल्फाबेटिक डाटा कंसिस्ट ऑफ द कैपिटल लेटर फ्रॉम ए टू जी। कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स ए टू जी तक जितने भी है उसको पंक्चुएशन मार्क्स, उसकी ब्लैंक स्पेस कि हमने यहाँ पर जगह छोड़नी है, हमने ये सारी चीज़ें अल्फाबेटिक डाटा में आ जाती है। इट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द स्टूडेंट। हम जैसे नेम स्टूडेंट का लिखें उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसकी यूज़ में। इट इज़ रिप्रेजेंट एज अ सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर। कैरेक्टर की सीक्वेंस में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द अर्थमेटिक ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन द अल्फाबेटिक डाटा। सम एग्जाम्पल ऑफ द अल्फाबेटिक डाटा आर पाकिस्तान, कंप्यूटर, इस्लाम वगैरह वगैरह। अब अल्फा न्यूमेरिक डाटा, व्हाट इज अल्फा न्यूमेरिक डाटा? अल्फा में हमारे पास अल्फा मीन अल्फाबेट्स, नंबरिक मीन नंबर्स। अल्फा नंबरिक डेटा कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, लेटर्स एंड ऑल स्पेशल करेक्टर, जैसे प्लस प्लस, परसेंटेज, हैशटैग, etc. अ टेलीफोन नंबर, इसके मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम अपना हाउस नंबर बताते हैं के H111 मॉल रोड, ये सारी चीज़ें। सही है, मतलब कि इसमें अल्फ़ाबेट भी आ रहे हैं
और नंबर भी आ रहे हैं और सारी चीज़ें आ रही। अब आगे आ जाती है इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन? द प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। अब जो डाटा को हमने प्रोसेस किया हुआ, जो चेकआउट हुई है, उसको हम इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन इज़ एन ऑर्गेनाइज एंड द प्रोसेस फॉर्म ऑफ द डाटा। ये ऑर्गेनाइज और प्रोसेस फॉर्म ऑफ द डाटा होती है। इट इज़ मोर मीनिंगफुल दैन डाटा। ये डाटा से ज़्यादा मीनिंगफुल होता है क्योंकि ये प्रोसेस किया होता है। अब इसके आगे मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। डाटा कलेक्टेड फ्रॉम इज यूज टू जनरेट डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं। द गवर्नमेंट कैन यूज इट डिटरमाइन द लिटरेसी रेट इन द कंट्री। गवर्नमेंट कैन बी यूज इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट डिसीजन टू परफॉर्म लिटरेसी रेट। वो ये चीज़ बता रही है कि हम डाटा को जब इकट्ठा करते हैं तो उसमें से इन्फॉर्मेशन बनती है। जब वो इन्फॉर्मेशन बनती है तो वो जो है वो प्रोसेस्ड होती है और ज़्यादा मीनिंगफुल होते हैं। अब इसका मैं डिफरेंस बताऊंगी, विच इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज़ डाटा? डाटा इज़ अनप्रोसेस्ड, इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोसेस्ड। डाटा इज़ यूज एज इनपुट, इन्फॉर्मेशन इज़ आउटपुट। डाटा इज़ नॉट मीनिंगफुल, इन्फॉर्मेशन इज़ मीनिंगफुल। मतलब ये मीनिंगफुल होता है, ये नहीं मीनिंगफुल होता है। ये हमारे पास आउटपुट होता है, ये इनपुट होता है, ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस नहीं होता। डाटा इज़ नॉर्मली ह्यूज इन वॉल्यूम। डाटा जो है ना वो हमारे पास ह्यूज होता है, मतलब हमने इकट्ठा किया होता है सबसे जहाँ जहाँ से हमें मिलता है, हमें इकट्ठा कर दिया जाता है। लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास शॉर्ट होती है इन वॉल्यूम के अंदर। डाटा इज़ द असेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इज़ नॉट अवेलेबल फॉर प्रॉपर फॉर सेल टू पीपल फॉर सेल। ये सेल के लिए यूज़ नहीं होता और ये सेल के लिए यूज़ होता है। सेल के लिए कैसे यूज़ होता है इन्फॉर्मेशन? जैसे हमारे पास ये हमारे पास ये बुक पड़ी हुई है, ये इसके ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो ये सेल होती है इसकी, मतलब कि मार्केट में कोई वैल्यू है। डाटा इज एन इंडिपेंडेंट इंटायरली, इन्फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन डाटा। इन्फॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करता है डाटा के ऊपर, क्योंकि हमने डाटा इकट्ठा करके इन्फॉर्मेशन बनानी होती है। अब डाटा प्रोसेस, व्हाट इज डाटा प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। डाटा को अब हमने इन्फॉर्मेशन में जो कन्वर्ट करना है उसको, उस प्रोसेस को हम डाटा प्रोसेसिंग करेंगे। डाटा इज इनपुट एंड इन्फॉर्मेशन इज आउटपुट। वो भी पहले भी बात, डाटा इज इनपुट एंड इन्फॉर्मेशन इज आउटपुट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कंप्यूटिंग, इसको हम कंप्यूटर भी कहते हैं। आगे डाटा प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट स्टेप्स, दे आर परफॉर्म्ड इन द सीक्वेंस। डाटा जो कितने स्टेप्स पे जो है ना वो लाइक करता है या कंसिस्ट होता है, जो कि परफॉर्म होते हैं सीक्वेंस वाइज। अब इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ द, अगर हम कंप्यूटर की मदद से जो है वो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। द डाटा इज गिविंग टू द कंप्यूटर। हमने क्या करना है, डाटा को जो है ना वो कंप्यूटर को दे देना कि ये लें चाहिए आपके लिए। द कंप्यूटर कन्वर्ट्स डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। अब कंप्यूटर इतना अच्छा है, उसने कन्वर्ट कर देना उसको इन्फॉर्मेशन में बाय अप्लाइंग द रिक्वायर्ड प्रोसेस, उसको जो भी प्रोसेस रिक्वायर हुआ। डिफरेंट सॉफ्टवेयर पैकेज आर यूज इन कंप्यूटर। डिफरेंट सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो है ना वो यूज किए जाते हैं कंप्यूटर में फॉर डाटा प्रोसेसिंग। इट टेक्स फार लेस टाइम्स देन अदर डाटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स। ये जो है ना ये लेस टाइम लेता है देन द डाटा प्रोसेसिंग टेक्निक से। अब इसकी एग्जांपल, सपोज देर आर 1000 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, 1000 स्टूडेंट कॉलेज में, कॉलेज हैज़ टू मेंटेन द ह्यूज अमाउंट ऑफ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ द स्टूडेंट्स डाटा। इफ वी वांट टू द टू नो द डाटा हु हैव नॉट सबमिटेड देयर फीस, वी विल हैव टू सर्च द फॉर्म ऑफ ऑल। अब मैं ऐसे में बताती हूँ इसमें क्या हुआ। कहते हैं कि 1000 स्टूडेंट है, अब हमने उसको क्या करना है कि हमने कंप्यूटर के अंदर सेट कर लेना है उनका डाटा भी, ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3। अब जब फीस देनी है तो हमें ये पता होगा भाई इसने दे दिया, वहाँ पे ये टिक लग जाएगा। अब अगर ये प्रोसेस ना होता तो क्या होता कि इतनी ह्यूज अमाउंट में हमें पता ही ना चलता भाई इसने फीस दे दी है, इसने फीस दे दी है, या अगर हम लिख लेते हैं तो वो कभी गुम जाता है, कभी कुछ हो जाता है, 100 से आपके होते हैं। अब इसके एडवांटेज बता देते हैं। इट इज़ मोर एफिशिएंट, इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम को जो लेस टाइम जो है ना वो यूज़ करता है। या लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी प्रोसेस्ड इजीली। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम ऐसे मिनटों में जो है ना वो प्रोसेस कर लेते हैं। इट इज़ मोर रिलायबल, ये ज़्यादा रिलायबल है। इट इज़ मोर फ्लेक्सीबल, इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंट इन डिफरेंट स्टाइल। इन्फॉर्मेशन डिफरेंट स्टाइल्स में जो है ना हम प्रेजेंट कर सकते हैं। चांसेस ऑफ एरर आर लेस दैन वे ऑफ द प्रोसेस। एरर के चांसेस जो है ना वो बहुत कम है, बहुत कम। अब इसके बाद में आ जाती है कंप्यूटर की डेफिनेशन। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एक डिवाइस यूज़ की जाती है उसको हम कंप्यूटर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिविंग टू इट, जो हमने उसको इंस्ट्रक्शन देनी है। कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट डाटा। अब कंप्यूटर डाटा एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस डाटा, उस पर प्रोसेस करता है इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड यूज इट फॉर लेटर यूज, और बाद में यूज़ करने के लिए इसको स्टोर कर लेते हैं। कंप्यूटर वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द कंप्यूट, कंप्यूट से निकला है, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, जो कि कैलकुलेट करता है। कंप्यूटर इज यूज टू परफॉर्म द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। कैलकुलेशन इज
नॉट द ओनली यूज ऑफ कंप्यूटर, इट कैन बी यूज फॉर डिफरेंट, हम इसको डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हमारे घरों में यूज़ होता है, हर स्टूडेंट यूज़ करता है। और आज का हमारा यहाँ तक टॉपिक था, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।